कैसे हो बच्चों आप सभी? आप सभी अपनी तैयारी को खूब अच्छे से धार दीजिए, अपनी तैयारी को अपने लास्ट आयाम तक पहुंचाइए क्योंकि समय बहुत कम बचे हुए हैं। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी के पेज नंबर 68-69 पर जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एनसीईआरटी पेज नंबर 68-69 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है? पेज नंबर 68-69 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें कि हाउ मेनी आइसोमर्स पॉसिबल फॉर हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फ्रॉम पेंटेन। पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉन फॉर ए पेंटेन। पेंटेन के लिए कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आप ड्रा कर सकते हैं? तो देखिए भाई नाम क्या है पेंटेन, तो पेंटेन मतलब एल्केन, और एल्केन का जनरल फार्मूला क्या बताया गया है? CnH2n+2। पेंटेन मीन्स एल्केन है और एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। तो CnH2n+2 में जब इसको रखेंगे पेंटेन मतलब पांच कार्बन होंगे। पेंटेन मीन्स क्या होंगे? पांच कार्बन, 5 कार्बन, तो हो जाएगा C5H12। पेंटेन क्या हो जाएगा? C5H12। तो ये कहा गया कि इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इनके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करें तो इनका पहला जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होगा, देखिए पहले 5 कार्बन का लॉन्ग चेन का कंपाउंड बना दीजिए, 5 कार्बन का, ये 5 कार्बन का हो गया पेंटेन। ये क्या बन गया? पेंटेन हो गया बच्चों। देखिए क्लास पसंद में आए तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब न किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में ऐसी बहुत सारी क्लासें आपको आपकी तैयारी के लिए प्रोवाइड कराई जा रही हैं। देखिए ये हो गया पेंटेन, इसी को लिख सी देंगे दूसरे तरीके से S3C CH2 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 CH3, ठीक है? ये तो पहला स्ट्रक्चर हो गया इसका। दूसरे स्ट्रक्चर में क्या करते हैं कि ब्रांच करा देते हैं, 4 कार्बन का चेन बनाते बना के 4 कार्बन का चेन बना के 1 कार्बन को क्या कर देंगे? ब्रांच कर देंगे। 4 कार्बन का चेन बना के 1 कार्बन को क्या कर देंगे? ब्रांच कर दिया जाएगा, ठीक है? 4 कार्बन का चेन बना के 1 कार्बन को ब्रांच कर दिया जाएगा, ठीक है? ये हो गया इस तरीके से। ये अगला स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा, किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा? आपका पेंटेन का। और इसका जो नाम होगा पेंटेन का नाम क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। देखिए अब एल्किल यहाँ पे CH3 ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया, तो कहा गया जो CH3 ग्रुप होगा एल्किल ग्रुप, पहले इस एल्किल ग्रुप का नाम लिखेंगे बच्चों। तो कार्बन की नंबरिंग जिधर से एल्किल ग्रुप नियरर होगा उधर से कार्बन की नंबरिंग हो जाएगी। तो इसका जो नाम हो जाता है, नाम इसको पढ़ा जाता है क्या? 2-मेथिल। पढ़ेंगे क्या? 2-मेथिल। अब 4 कार्बन का लॉन्ग चेन है तो हो गया ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम हो गया क्या? ब्यूटेन। 2-मेथिल ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? 2-मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। या फिर इसको बोलते हैं नियो पेंटेन। क्या बोलेंगे इसको? नियो पेंटेन बोलेंगे। फिर देखिए अगली बार 3 कार्बन को ब्रांच, 3 कार्बन का लॉन्ग चेन बना के 2 कार्बन को हम लोग ब्रांच करा देते हैं। 2 कार्बन को ब्रांच करा दिया इस तरीके से।
ऐसे स्ट्रक्चर बना ठीक है, इस स्ट्रक्चर की बात हो गई। दो कार्बन को क्या करा दिया, ब्रांच करा दिया। तो इसमें देखिए लॉन्ग चेन चाहे इधर से काउंटिंग करिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सभी तरफ से इसकी काउंटिंग में तीन तीन कार्बन एटम आ रहे हैं, मतलब कि लॉन्ग चेन किसी भी तरह से इसकी पॉसिबल है। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल इसके लॉन्ग चेन को इस तरह से लॉन्ग चेन ले लिए, तो यहाँ दूसरे कार्बन से दो मेथिल ग्रुप दो एल्किल ग्रुप अटैच दिखाई दे रहे हैं। तो इन एल्किल ग्रुप का पहले नाम लिखेंगे, तो इन एल्किल ग्रुप का जब नाम लिखेंगे तो ये एल्किल ग्रुप दूसरे कार्बन से अटैच है, तो इसको पढ़ेंगे क्या, 2,2-डाईमेथिल, इसको पढ़ेंगे क्या, 2,2-डाईमेथिल, 2,2-डाईमेथिल, मेथ एथ प्रोप, 2,2-डाईमेथिल क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, 2,2-डाईमेथिल प्रोपेन इसका नाम हो गया। या फिर यदि इसको पढ़ेंगे दूसरी तरह से दूसरा नाम, तो इसको पढ़ा जाएगा आइसो आइसो पेंटेन, क्या पढ़ा जाएगा, आइसो पेंटेन। देखिए जब एक ही कार्बन से दो एल्किल ग्रुप अटैच हो जाएगा तो उसको आइसो पढ़ा जाएगा, और जब ये अटैच होगा तो उसको क्या पढ़ा जाएगा, नियो पेंटेन पढ़ा जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए। देखिए इसके दूसरे इस तरह से नाम फार्मूला लिख सकते हैं कैसे, इसका स्ट्रक्चर H3CCH2CH CH3 और क्या हो गया CH3। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एक कार्बन से CH3CH3CH3CH3। इसके क्या है, स्ट्रक्चर है, यही सेम स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं कि इसके आइसोमर्स हैं। तो हाउ मेनी पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉन फ्रॉम पेंटेन, तो 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पर पेंटेन, अच्छा ठीक है। पेंटेन के लिए कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रा होंगे, ओनली 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रा होंगे। तो यदि आपको समझ में आ गया क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अतुल पांडे क्लासेस पर जनरल साइंस और अपनी क्लास 10th की तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ही सीधे क्वेश्चन इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सर। दूसरा क्वेश्चन है, कहा गया कि व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम विच लीड टू ए हुज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। कार्बन की कौन सी दो प्रॉपर्टी हैं, कार्बन की कौन सी दो प्रॉपर्टी हैं जिसके कारण कार्बन के लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड हमारे सराउंडिंग्स में हमारे अराउंड्स में प्राप्त होते हैं। तो बताया गया आपको कार्बन की वर्सटाइल नेचर के कारण कार्बन के लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड हमारे सराउंडिंग में प्राप्त होते हैं, तो कार्बन की कौन सी दो प्रॉपर्टीज हैं। तो एक बोला गया था टेट्रावैलेंसी और दूसरा बोला गया था कैटेनेशन, बोला गया था टेट्रावैलेंसी, दूसरा क्या बोला गया था कैटेनेशन की प्रॉपर्टी बोली गई थी, ठीक। टेट्रावैलेंसी कैटेनेशन ये सब हमने आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं, तो यदि नहीं समझ में बात आ रही तो पिछले क्लास की वीडियो को क्लास को देखकर आप टेट्रावैलेंसी जान लीजिए कैटेनेशन क्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ड्रा द स्ट्रक्चर फॉर फॉलोइंग कंपाउंड्स। तीसरे क्वेश्चन में कुछ कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर ड्रा करने, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो पहला कंपाउंड्स है एथनोइक एसिड, पहला कंपाउंड्स क्या है एथनोइक एसिड, इसमें दिया गया पहला कंपाउंड एथनोइक एसिड, इसका स्ट्रक्चर हमें ड्रा करना है बाबू। इस एथनोइक एसिड का क्या ड्रा करना है,
स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो एथनोइक एथ मतलब दो, देखिए ऐसे तोड़िए एथ एन ओइक एसिड, मतलब कि तीन चीजें हो गई इसमें। एक तो एथ मतलब क्या हो गया, एथ मतलब मीन्स दो कार्बन हो गए, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड हो गया, ओइक एसिड मतलब क्या हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ा रखे हैं, यदि क्लियर नहीं है फंक्शनल ग्रुप तो फंक्शनल ग्रुप देख लीजिए समझ लीजिए। तो देखिए दो कार्बन बनाया, अब यहाँ पे ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड क्या हो गया OH, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड OH, और फिर इस कार्बन से तीन हाइड्रोजन जुट गए, तीन इसके क्या हो गए स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर बन गए किसके एथनोइक एसिड के, मतलब कि इसी को क्या लिख दिया जाएगा CH3COOH, क्या हो गया एथनोइक एसिड हो गया बच्चों, क्या हो गया एथनोइक एसिड हो गया। दूसरा नाम दिया गया है ब्रोमोपेंटेन, दूसरा क्या है ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन ठीक है, दूसरा क्या है ब्रोमोपेंटेन। तो ब्रोमोपेंटेन मतलब देखिए यहां पे ब्रोमीन हैलो आइटम्स है, पेंटेन पेंटेन है, मतलब पेंट मींस क्या हो गया पांच का कार्बन हो गया, एन मींस सिंगल बॉन्ड हो गया, तो पांच कार्बन बना के सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे फाइव कार्बन, और इन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, बाकी इन सब से क्या होगा हाइड्रोजन अटैच होगा और एक ब्रोमीन का अटैचमेंट हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा ब्रोमीन का इससे अटैचमेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ब्रोमोपेंटेन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ब्रोमोपेंटेन हो जाएगा ठीक है। मीन्स इसका फार्मूला लिखेंगे तो H3C CH2 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 Br ठीक है, ये क्या हो जाएगा ब्रोमोपेंटेन हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा ब्रोमोपेंटेन। तो ये तो ऐसे इसके स्ट्रक्चर देखेंगे, सबसे पहले उसमें ये जान लेंगे कि कितने कार्बन हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए उन सभी के स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, अगला क्वेश्चन किसका स्ट्रक्चर ड्रा करने की बात हो रही है, करिएगा साथ में करते रहिएगा तो आपको जल्दी समझ में आएगी चीजों को। और आप देखिए अगला है ब्यूटानोन, तीसरा क्या होगा वो ब्यूटानोन, ब्यूटानोन तो देखिए ब्यूटानोन ब्यूट एन ओन मतलब कीटोन, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मिल गया हमें कीटोन, ब्यूट मतलब कितने कार्बन हो गए फोर कार्बन, एन मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूट मतलब क्या बना देंगे फोर कार्बन, ब्यूट क्या हो गया फोर कार्बन, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, अब क्या लगा है ओन लगा है मींस कीटोन, तो कीटोन के बारे में आपको बताया जा चुका है कि कीटोन हमेशा दूसरे तीसरे कार्बन से अटैच होगा या फिर पहले कार्बन से अटैच नहीं होगा, तो यहाँ पर कीटोन ग्रुप जोड़ दिए सी डबल बॉन्ड, बाकी सब यहां से क्या हो गया हाइड्रोजन ऐड हो गया, इन सब से क्या ऐड कर दिए हाइड्रोजन, यहाँ से ऐड नहीं होगा क्योंकि कार्बन के यहाँ पे क्या है फोर बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन के फोर बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है ठीक। तो क्या हो गया ब्यूटानोन, इसका स्ट्रक्चर क्या लिख देंगे बच्चों CH3C CH2 CO CH3, ये क्या हो गया ब्यूटानोन हो गया ठीक है। अगला कंपाउंड क्या दिया गया है हेक्सेनल, अगला फोर्थ कंपाउंड है हेक्सेनल, हेक्सेनल है फोर्थ कंपाउंड क्या है हेक्सेनल, तो देखिए हेक्स मतलब सिक्स कार्बन, एन मीन्स एल्केन और एल मीन्स एल्डिहाइड, एल मीन्स क्या है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के बारे में बताया गया कि एल्डिहाइड हमेशा पहले कार्बन से अटैच्ड होगा एल्डिहाइड ग्रुप, और एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मूला क्या होगा CHO, एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा CHO,
तो हेक्सेनल में कितने कार्बन बनेंगे? सिक्स कार्बन, हेक्स मीन्स सिक्स कार्बन, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, सिक्स कार्बन होंगे। कहा गया एल्डिहाइड ग्रुप AL लगाया, मतलब एल्डिहाइड पहले ग्रुप से एल्डिहाइड ग्रुप लग जाएगा, CHO हो गया पहले से। इसके बाद कार्बन की बाइंडिंग, कार्बन के अराउंड में फोर फोर बॉन्ड कंप्लीट करा देंगे, यच यच हाइड्रोजन से, ये इसके क्या हो जाएंगे, हेक्सेनल के स्ट्रक्चर मिल गए। मीन्स इसको नाम क्या हो गया, H3C CH2 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 CHO, ये क्या हो गया, हेक्सेनल हो गया। क्या हो गया, हेक्सेनल। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ कि ड्रा द स्ट्रक्चर फॉर फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो एथनोइक एसिड के स्ट्रक्चर ड्रा हो गए, ब्रोमो पेंटेन के स्ट्रक्चर ड्रा हो गए, ब्यूटानोन के स्ट्रक्चर ड्रा हो गए, हेक्सानल के स्ट्रक्चर ड्रा हो गए। फिर इसी में देखिए कहा गया है कि आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल, आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमो पेंटेन, क्या ब्रोमो पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं? तो बिल्कुल, ब्रोमो पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, और इस ब्रोमो पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने पॉसिबल होंगे? तो तीन पॉसिबल होंगे। बनाते हैं, कौन कौन से इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, ध्यान दीजिएगा इन पर। ब्रोमो पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ब्रोमोपेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये देखिए ब्रोमोपेंटेन है। इसके यदि दूसरे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर लें, तीन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, जान लीजिए। ब्रोमोपेंटेन के थ्री स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे। देखिए क्या होगा, पांच कार्बन का है, पांच कार्बन बना के ब्रोमीन के प्लेस को, पहले कार्बन से ब्रोमीन था, इस बार दूसरे कार्बन से ब्रोमीन को जोड़ दीजिए। दूसरे कार्बन से ब्रोमीन को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, बाकी सब हाइड्रोजन हाइड्रोजन से इन सभी को क्या करते हैं, बैलेंस करा देते हैं। ठीक है, तो इसका जो नाम हो जाएगा, ये ब्रोमो पेंटेन था, इसका नाम हो जाएगा टू ब्रोमो पेंटेन, क्या नाम हो जाएगा, टू ब्रोमो पेंटेन हो गया। इसका नाम क्या हो गया, टू ब्रोमो पेंटेन हो गया, इसका नाम आ जाएगा। फिर तीसरा स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो इसका जो तीसरा स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, इसके ब्रोमीन की पोजीशन को फिर से चेंज कर दीजिए, दूसरे कार्बन से लाए थे, इस बार तीसरे कार्बन से लेते आए ब्रोमीन को, ब्रोमीन को किससे लेते आए, तीसरे कार्बन से, बाकी सभी कार्बन के बांड को क्या कर दें, कंप्लीट कर दें। मीन्स फोर फोर बॉन्ड कार्बन के राउंड में हाइड्रोजन के साथ बना दें, ये हो गया आपका। और तब इसका नाम क्या हो जाएगा, जब तीसरे कार्बन से आ गया, तीसरे कार्बन से बन गया, तो इसका नाम जो लिखेंगे, इसका नाम लिखा जाएगा थ्री ब्रोमो, क्या लिखा जाएगा, थ्री ब्रोमो पेंटेन, इसका नाम क्या लिखेंगे, थ्री ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा, थ्री ब्रोमो पेंटेन। क्लियर आई बस में? तो इस तरीके से ब्रोमो पेंटेन के कितने आइसोमर्स हो गए, तीन आइसोमर्स हो गए ब्रोमो पेंटेन के। बच्चों क्लास पसंद में आ रही है, हमें उम्मीद है कि, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कहा गया, हाउ डू यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, अगला आपको नेमिंग पूछ रहा है कि कैसे इन कंपाउंड्स के नाम लिखेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन जो दिया गया है इस पेज नंबर 69 पर, उसमें हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, इन कंपाउंड का नाम लिखना है आपको। जैसे पहला कंपाउंड है CH3 CH2Br, CH3 CH2Br। तो अभी बताया गया कि जो हैलो एटम्स होंगे, हेट्रो एटम्स होंगे, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनका नाम प्रेफिक्स में पढ़ा जाएगा, उसके बाद कार्बन की संख्या पढ़ी जाएगी। तो
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम पढ़ेंगे हम लोग क्या, ब्रोमो, क्या पढ़ेंगे, ब्रोमो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो मेथ एथ, दो कार्बन हो गया तो ब्रोमो एथेन, दो कार्बन क्या हो गया, ब्रोमो एथेन हो गया, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो एथ और एन लग गया तो ब्रोमो एथेन आ गया। फिर देखिए दूसरा कंपाउंड क्या दिया गया बच्चों, दूसरा कंपाउंड दिया गया है सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच और सिंगल बॉन्ड एच, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच दिया गया है। अब इसमें एक कार्बन है और यहां देख रहे हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप है, क्या दिखाई दे रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप है सी एच ओ, तो इसका जो नाम हो जाएगा एक कार्बन मीन्स क्या हो गया मेथ, ठीक, सिंगल बॉन्ड हो गया एन और एल्डिहाइड है सी एच ओ है तो क्या लग जाएगा एल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेथेनल, इसका नाम क्या हो जाएगा मेथेनल। वही एक कार्बन के लिए मेथ हो गया, सिंगल बॉन्ड एल्किन के लिए एन लग गया और एल्डिहाइड के लिए क्या लगा दिया गया एल लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो गया मेथेनल। अगला देखिए, अगला कंपाउंड जो है तीसरा, तीसरा कंपाउंड क्या दिया गया है, छह कार्बन है, क्या है, छह कार्बन है और इन छह कार्बन के पहले कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, पहले कार्बन के बीच क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, तो छह कार्बन मीन्स क्या पढ़ते हैं हम लोग, छह कार्बन को हेक्स पढ़ते हैं, छह कार्बन को क्या पढ़ेंगे हेक्स पढ़ेंगे छह कार्बन, ठीक, ये स्ट्रक्चर है। अब इसका नेमिंग की बात पूछ रहा है कि नेमिंग इसका क्या होगा, तो छह कार्बन मीन्स क्या हो गया हेक्स हो गया, छह कार्बन क्या हो गया हेक्स हो गया, अब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड मीन्स क्या होता है बच्चों, एल्काइन बताया गया, क्या बताया गया एल्काइन, तो एल्काइन मीन्स आयन हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया हेक्साइन हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्साइन हो जाता है, ठीक है। तो ये हुए आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 68 69 पर दिए गए जो क्वेश्चंस थे आंसर्ड, उनके सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया गया। कैसे लगी क्लास इस निश्चित है हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और भी जो जरूरत होगी जिस क्लास की उसके बारे में भी कमेंट करिएगा, ठीक है। तो वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, बस हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को एक नया आयाम देते रहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।